वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 10th एंड चैप्टर 2nd पॉलीनोमियल्स। एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस पॉलीनोमियल इज अ पार्ट ऑफ एलजेब्रा, सो लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन अबाउट एलजेब्रा। गाइस, ये एलजेब्रा वर्ड ड्राइव हुआ है मूसा अल ख्वारिज्मी की एक बुक है हिसाब अल जबर, या इसे कुछ लोग किताब अल जबर के नाम से भी जानते हैं। तो वहीं से ये वर्ड अलजबरा ड्राइव हुआ है। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है, ये एक मुस्लिम पर्सियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर है जो कि अपने टाइम में बहुत फेमस हुए। इन्हें फादर ऑफ अलजबरा के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की जो बुक है हिसाब अल जबर, जो अलजबरा की सबसे पहली बुक थी, उसी से इसका नेम जो है ड्राइव होता है। तो ये अलजेब्रा होता क्या है? तो अलजेब्रा को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें, इफ़ वी वांट टू डिफाइन अलजेब्रा, देन वी कैन से दैट अलजेब्रा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड अदर सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड अदर सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर एंड नंबर रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस अलजेब्रा। तो अलजेब्रा का जो हमारा आज का चैप्टर है पॉलीनोमियल, तो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन अबाउट पॉलीनोमियल, देन वी विल मूव टू द एक्सरसाइज एंड वी विल फिनिश ऑल दीज थिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये पॉलीनोमियल क्या होता है। तो पॉलीनोमियल या अलजेब्रा, जहाँ से अलजेब्रा की ABCD स्टार्ट होती है, तो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम देयर। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अलजेब्रा में हम लोग कांस्टेंट एंड वेरिएबल की बात करते हैं। तो कांस्टेंट क्या चीज़ होती है? कांस्टेंट क्वांटिटीज़, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, जितने नंबर्स हैं, नंबर के सिम्बल्स हैं, जैसे 6, 5, 100, 101 etc, तो ये नंबर्स क्या हैं? ये कांस्टेंट है। अगर कोई कह दे कि आई हैव 5 rupees, तो इसका मतलब वो फिक्स हो गया ना कि ये 5 rupees है। लेकिन यहाँ पे तो कांस्टेंट क्या है? द सिंबल्स हुज वैल्यूज़ आर फिक्स्ड। जबकि वेरिएबल की बात करते हैं, द सिंबल हुज वैल्यूज़ आर नॉट फिक्स्ड, जैसे यहाँ हो गया x, y, a, b एंड so on। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ जो है फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यूज़ फिक्स नहीं है। तो मतलब ये हुआ क्या, ये क्या है? वेरिएबल्स हैं। अब अगर कोई बोल देता है आई हैव एक्स रुपीज़, तो ये बताइए कि एक्स रुपीज़ का क्या मतलब है? वो तो कभी भी बदल सकता है ना, कि मेरा मतलब एक्स से था 5 rupees, या वो कह देगा कि मेरा मतलब था एक्स से मेरा मतलब 5 lakh था, या एक्स से मतलब था 1 rupees। तो वो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू को असाइन कर सकता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू कैन बी चेंज्ड। तो बिल्कुल यही यूज़ किया गया है लेटर्स का। अब यहीं पर फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी होते हैं। तो फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 4 फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एंड डियर स्टूडेंट्स, जब ये कांस्टेंट वेरिएबल ये फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कंबाइंड आर कनेक्टेड विद फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे अभी ये 2x+3, 5x+4, x/2, तो ये जो है ना, ये क्या बन गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, लाइक वेरिएबल की पावर रूट में ऐसे आ गया √x+3, तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और अगर यहाँ हो गया 7x2+7, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अपान यहाँ x हो गया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब किसी भी ऑर्डर में, किसी भी पैटर्न में अगर ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल को कम्बाइन कर दिया गया, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
ठीक है, तो आगे बात करते हैं, यहाँ टर्म्स की बात करते हैं, टर्म्स की बात करते हैं। तो टर्म्स क्या होते हैं? द थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद प्लस आर माइनस आर कॉल्ड एज टर्म्स। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लस एंड माइनस से कनेक्टेड होती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये दो चीज़ें आपस में प्लस माइनस से कनेक्टेड हैं। सपोज़ यहाँ पर अगर लिख दिया जाए एक्स प्लस वाई माइनस टू, तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस से तीन चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर थ्री टर्म्स हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब द थिंग्स विच आर कनेक्टेड बाई प्लस आर माइनस आर कॉल्ड एज टर्म्स। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि क्या बातें यहाँ पे बताई जा रही है। चलिए यहाँ एक और अगला टर्म है, यहाँ पर लिटरल एंड कोफिशियंट। देखिए जैसे कोई एक टर्म है, अगर इस टर्म की बात करें, यहाँ पर हम एक एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, बहुत सारे हो गए हैं तो कन्फ्यूज़न हो सकती है। सपोज़ ये 3x² y + 7x, ठीक है, +8y, ये तो यहाँ पर जो ये कांस्टेंट है वो क्या है? वो कोफिशियंट है। वो उसको क्या जनरली क्या नाम देते हैं? कोफिशियंट, ठीक है। और इसको क्या नाम देते हैं? लिटरल। इसको क्या नाम देते हैं? लिटरल। जनरली देखिए कोई, अब ये तो जनरल थिंग है, लेकिन अगर बोल दिया जाए कि यहाँ वाई का कोफिशियंट क्या है, तो वाई का कोफिशियंट क्या है? 3x², x² का कोफिशियंट क्या है? तो क्या हो जाएगा? 3y। लेकिन जनरली क्या होता है, इसको कोफिशियंट बोलते हैं, इसको लिटरल बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें बोल दिया जाए कि y का कोफिशियंट क्या है, तो 3x². अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 7 क्या है? कोफिशियंट है, ये लिटरल है, ये कोफिशियंट है, ये लिटरल है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ जेड आ गया और बोल दिया जाए जेड का कोफिशियंट क्या है, तो 8y। वाई का कोफिशियंट क्या है? 8z। होप यू आर अंडरस्टूड किसी भी टर्म में उस चीज़ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें क्या होती हैं? कोफिशियंट, ठीक है। अब ये कह दें कोफिशियंट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं लिटरल कोफिशियंट, एक होते हैं कांस्टेंट कोफिशियंट, ऐसा कह सकते हैं। कोफिशियंट दो तरह के हैं, एक तो है कांस्टेंट कोफिशियंट और दूसरे क्या हैं? लिटरल कोफिशियंट। तो कांस्टेंट कोफिशियंट एंड लिटरल कोफिशियंट। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट कोफिशियंट एंड लिटरल। अब आते हैं हम लोग पॉलिनामियल्स पर। देखिए पॉलिनामियल क्या होता है? एलजेब्रिक, एक बात मैं यहाँ पर ध्यान से बता देना चाहूँगा कि सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनामियल नहीं होते, लेकिन सारे पॉलिनामियल एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो अब देखिए ये जो है ना, यहाँ पर पावर जो वेरिएबल की है, देखिए क्या पॉलिनामियल को कैसे डिफाइन करते हैं, जो हमारे चैप्टर का नेम है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, चैप्टर के नेम तक पहुँचने के लिए मुझे इतना इंट्रोड्यूस करना पड़ा है। सो लेट्स हैव द डेफिनेशन फॉर दिस। द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉन निगेटिव इंटीग्रल्स आर कॉल्ड एज पॉलिनामियल। मीन्स देखिए, जब कोई एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज़ यहाँ पर 3x² + 2x + 7x + 8। अब यहाँ पर देखें तो वेरिएबल की यहाँ पावर कितना है? 2। यहाँ वेरिएबल की पावर -1 है, यहाँ कितना है? 1। यहाँ वेरिएबल की पावर नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। तो अब यहाँ वेरिएबल की पावर जो है क्या है? माइनस में भी है। तो अब ये क्या है? ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनामियल नहीं है। पॉलिनामियल कब होगा? जब वेरिएबल की पावर नॉन निगेटिव इंटीग्रल होगी, नॉन निगेटिव इंटीग्रल। अब जैसे यहाँ सपोज़ ये √x2 √x + 7x² + 8x + 3। तो अब यहाँ पर x की पावर 0 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ x की पावर 1/2 है। ये रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो अब पावर यहाँ फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनामियल नहीं है। ये भी पॉलिनामियल नहीं है, ये भी पॉलिनामियल, ये पॉलिनामियल नहीं है ये लोग। तो पॉलिनामियल होने के लिए क्या कंडीशन है? द एलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज़ नॉन निगेटिव, हुज पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन निगेटिव इंटीग्रल। तो पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगी? नॉन निगेटिव इंटीग्रल। तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? उसको हम लोग नाम देंगे पॉलिनामियल। अब आते हैं पॉलिनामियल की डिग्री। देखिए पॉलिनामियल की जो वेरिएबल होती है उनकी पावर होती है,
द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। अब ये चाहे पॉलिनामियल हो चाहे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, सभी की कुछ ना कुछ डिग्री डिफाइन होती है और इसी के बेसिस पे इनके टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे यहाँ की डिग्री की बात करें, यहाँ वेरिएबल की पावर 0, यहाँ वेरिएबल की पावर 1, यहाँ वेरिएबल की पावर -1, यहाँ 2, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 2। यहाँ बात करें तो यहाँ भी 2 हो गई। अगर ऐसा हो जाए 7x³ प्लस 8x की पावर 4 प्लस 3x, तो अब यहाँ पे वेरिएबल की पावर यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री की, इस पॉलिनामियल की डिग्री कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये देखिए ये पॉलिनामियल है, क्यों पॉलिनामियल है, यहाँ देखिए वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीग्रल, यहाँ पॉजिटिव इंटीग्रल, यहाँ पॉजिटिव इंटीग्रल, तो वेरिएबल की पावर हमेशा हर जगह क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल है, तो इसलिए ये पॉलिनामियल क्या हो गया, ये पॉलिनामियल है। और ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है लेकिन पॉलिनामियल भी है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि कैसे कौन पॉलिनामियल है कौन पॉलिनामियल नहीं है। अब आइए बात करते हैं, डिग्री भी हम लोगों ने बात कर ली, तो अब बात करते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनामियल, जीरोज ऑफ पॉलिनामियल। देखिए क्या है कि अगर पॉलिनामियल का ग्राफ खींचें तो पॉलिनामियल की वैल्यू कितने पॉइंट पर जीरो हो रही है, ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां पर पॉलिनामियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो। तो उसी पॉइंट पर जो एक्स की वैल्यू होती है, वेरिएबल की वैल्यू होती है, उसी को जीरोज ऑफ पॉलिनामियल बोलते हैं। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझते हैं, जैसे जैसे ये कोई एक्स एक्सिस, ये है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अब एक्स एक्सिस है, अब एक पॉलिनामियल जो कि कुछ इस तरीके से है, ये अब ये बताइए ये पॉलिनामियल एक्स एक्सिस को कितनी बार जो है कट कर रहा है, 2 बार, तो मतलब ये इसकी वैल्यू 2 बार जीरो हो रही है। इस पॉलिनामियल की वैल्यू यही है वाई इक्वल टू ये समथिंग ऐसे, वाई इक्वल टू एक्स फंक्शन ऑफ एक्स ऐसे लिखा जाएगा, तो ये तो कुछ रहेगा ऐसे, ये वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स ऐसा रहेगा कुछ, या हो सकता है ऐसा हो वाई इज इक्वल टू 3x। तो अब ये पॉलिनामियल जो है, अब सपोज़ ये ऐसा है पॉलिनामियल, ये कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में, तो अब अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो देखिए ये एक्स एक्सिस को कितनी बार, 1 बार कट कर रहा है। अगर ये ऐसा है तो ये देखिए 2 बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कोई कट कर रहा है मतलब उसके उतने जीरोज़ हैं, वो उस पॉलिनामियल की वैल्यू उतनी बार ज़ीरो हो रही है, तो उस पॉलिनामियल की वैल्यू उतनी टाइम्स ज़ीरो हो रही है, और उन्हीं को क्या नाम देते हैं, जीरोज़ ऑफ पॉलिनामियल। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये जीरोज़ क्या होते हैं। तो द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनामियल बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड एज जीरोज़ ऑफ पॉलिनामियल। अब यहाँ जीरोज़ को समझने के लिए हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनामियल समझना पड़ेगा, जीरोज़ को समझना है तो हमें टाइप्स ऑफ पॉलिनामियल समझना पड़ेगा और किस पॉलिनामियल के कितने जीरो होंगे ये भी समझना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके अगर हम लोग टाइप्स की बात करें, तो टाइप्स अगर देखिए डिपेंडिंग अपॉन वेरिएबल और डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, ये कई तरह के होते हैं। तो अभी हम लोग डिग्री के बेसिस पे बात करते हैं, बेस्ड ऑन डिग्री। तो देखिए बेस्ड ऑन डिग्री, तो पहला ये हो गया कांस्टेंट पॉलिनामियल। दूसरा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनामियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल। क्यूबिक पॉलिनामियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनामियल। देखिए अब यहाँ पर देखिए डिग्री के बेसिस पर, डिपेंडिंग अपॉन डिग्री, पॉलिनामियल के बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। देखिए एक ऐसा पॉलिनामियल जिसकी डिग्री जीरो हो, डिग्री जीरो हो, तो उसको क्या नाम देंगे, कांस्टेंट पॉलिनामियल, लाइक 3, 4, पॉलिनामियल px=3 या पॉलिनामियल px=4, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट पॉलिनामियल, इनकी डिग्री क्या होती है, जीरो, इनकी डिग्री क्या होती है, जीरो। ऐसे ही एक होता है जीरो पॉलिनामियल
जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जीरो ही होता है खुद, एक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू जीरो मतलब जीरो पॉलिनोमियल, इसकी कोई डिग्री नॉट डिफाइन होती है, वैल्यू तो इसकी जीरो होती है लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होती है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये टाइप्स हैं। देखिए अब यहाँ पर ये जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, जीरो है, तो इसका मतलब इसके जीरो भी कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें तो ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, जीरो, डिग्री जीरो है तो इसके जीरोज भी जीरो होंगे और वैल्यू इसकी हमेशा फिक्स होती है, इसीलिए इसका नाम भी है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, सारे कॉन्स्टेंट इसमें आ जाते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ जिसकी डिग्री क्या होती है, वन, इसकी डिग्री कितनी होगी, वन, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री वन होती है, डिग्री वन मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना होगी, वन होगी, वेरिएबल की मैक्सिमम जो है पावर क्या होगी, वन होगी। लाइक ये पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस टू, ये देखिए अब, या मान लीजिए पॉलिनोमियल फाइव एक्स प्लस सेवन, तो अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पावर सिर्फ क्या है, वन हो सकती है, तो वेरिएबल की पावर वन होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर टू होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी टू। अब इसका देखिए एग्जांपल, इसका भी लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस थ्री, या एक लिख दिया पी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं यहाँ पे। ऐसे डिग्री अगर थ्री होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, डिग्री थ्री होगी तो क्यूबिक, ऐसे डिग्री फोर होगी तो बाई क्वाड्रेटिक, डिग्री फोर होगी तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज़ की अगर बात करें तो इसका तो कोई जीरो नहीं होगा, इसका भी कोई जीरो नहीं होगा, लीनियर का मैक्सिमम वन जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम टू जीरो होगा, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, इसका भी हो सकता है एक भी जीरो ना हो, लेकिन मैक्सिमम इसका कितना होगा, वन जीरो, और इसका मैक्सिमम कितना होगा, टू जीरो, इसका मैक्सिमम कितना होगा, थ्री जीरो, इसका मैक्सिमम कितना जीरो होगा, फोर, हो सकता है एक भी जीरो ना हो, हो सकता है दो हो तीन हो, लेकिन मैक्सिमम कितने होंगे, जितना इनकी डिग्री है। तो होप यू आर अंडरस्टूड कि ये क्या पॉलिनोमियल क्या है और इनके जीरोज क्या हैं। ठीक है, जीरोज मैं एक बार फिर से बता दूं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, मतलब द वैल्यू ऑफ पॉइंट वेयर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम जीरो आर कॉल्ड एज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ तो ये तो हमने एक टाइप ये देखा, दूसरा एक टाइप हम लोग देख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स, जब एक टर्म होते हैं तो मोनोमियल, डिपेंडिंग अपॉन टर्म्स, एक टर्म होता है तो मोनोमियल, मोनोमियल, दो टर्म होता है तो बाइनोमियल, बाइनोमियल, तीन होता है तो ट्राइनोमियल, ऐसे तीन से ज़्यादा होंगे तो मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो पॉलिनोमियल का एक टाइप है। तो ये तो रहा हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर, अभी हम लोग अगर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन की बात करें, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कुछ ग्राफ बताना चाहूँगा कि किस पॉलिनोमियल का कैसा ग्राफ होता है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देखें लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ देखें तो क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, कैसी भी स्ट्रेट लाइन होगी लेकिन होगा तो एक स्ट्रेट लाइन, ये किसका है, लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का। अच्छा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का क्या होगा, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का, तो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो है ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का है, कॉन्स्टेंट। लीनियर पॉलिनोमियल का कुछ ऐसा होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कुछ ऐसे यू शेप में, या तो ऐसे या तो ऐसे, इस तरीके का ग्राफ होगा, और वो डिपेंड करेगा, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अभी हम डिटेल में जब बात करेंगे तो दिखाएंगे, जैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है पी एक्स, इसको हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये वाला है ये, और अगर ए लेस देन जीरो है तो ये है, मतलब ये इन्वर्टेड जो ये होगा तो ये होगा ए लेस देन जीरो का, ए ग्रेटर देन जीरो का, और ये इसके दो जीरोज हैं, ज़रूरी नहीं ये ऐसा हो सकता है ये ऐसा भी हो जाए, यहाँ ये देखिए एक्स एक्सिस को एक बार भी नहीं कट कर रहा है, और हो सकता है ये ऐसा हो जाए जो सिर्फ एक्सिस को सिर्फ एक बार टच करे, तो यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन पॉसिबल हो सकती हैं। तो होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। देखिए यहाँ पर एक्सरसाइज में मैं बात कर लेता हूँ, एक्सरसाइज
2.1 देखिए बोला जा रहा है ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवेन इन द फिगर बिलो फॉर द सम सेम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखिए पहले में जो है ना लाइन क्या है पैरेलल है, लाइन जो है ना एक्स एक्सिस को जितनी बार क्रॉस करेगी उतने जीरोज होंगे, यहाँ एक बार भी नहीं क्रॉस की तो जीरो है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल है। देखिए सेकेंड वाले में क्या है एक बार से पास हो रहा है तो इसलिए वो क्या है 1 1 0 हो गया। दूसरा देखिए थर्ड में देखिए तीन बार एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ग्राफ, जो ग्राफ दिया हुआ है वो एक्स एक्सिस को तीन बार क्रॉस कर रहा है इसलिए इसके जो जीरोज हो गए 3। ऐसे फोर्थ में देखिए 2, ऐसे फाइव में देखिए, फिफ्थ में 1 2 3 4 4 जीरोज हैं क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और साथ ही साथ देखिए एक्सिस को ये 4 टाइम्स क्रॉस कर रहा है। ऐसे अगर फिफ्थ में देखें तो यहाँ पर 1 2 3 सिर्फ 3 जीरोज हैं क्योंकि ये देखिए दो जगह तो ये टच कर रहा है और एक जगह क्रॉस कर रहा है, तो जहाँ टच कर रहा होता है वहाँ 2 इक्वल जीरोज होते हैं लेकिन वो एक ही पॉइंट माना जाएगा, होते तो हैं 2 इक्वल जीरो, जैसे यहाँ पर ये जीरोज़ क्या है यहाँ पर दोनों दो जीरोज़ हैं लेकिन वो दोनों जीरोज़ क्या है एक ही जगह है इक्वल है तो वो एक ही जीरो माना जाता है इक्वल जीरोज़। होप यू आर अंडरस्टूड अबाउट दिस एक्सरसाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।